गुड इवनिंग बच्चों बिल्कुल ठीक ठाक बहुत दिनों पर हम लोगों की ऑनलाइन मुलाकात हुई है एक दिन बीच में आए थे उसके बाद आज ही मुलाकात हो रही है लाइव क्लास में चलिए पूरा जोश में दिख रहे हैं आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर्ड है लगता है एकदम लग रहा है फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं आप लोग और इसी तरह से जोश में रहना है अब हर वर्क समाप्त हो गया रिजल्ट भी आ गया रिज़ल्ट आने के बाद आपके कोचिंग का रिजल्ट कितना बम्पर रहा वो तो आप खुद परिचित हैं जो टॉपर्स वगैरह वगैरह था रैंकर्स था सबको सम्मानित भी कर दिया गया अब आपकी बारी है अब डिपेंड करेगा आप पर कि आप कितना मेहनत करते हैं आप जितना मेहनत करिएगा उतना ही अच्छा और भी कोचिंग का रिजल्ट होते जाएगा तो इसलिए अब आपको भीड़ जाना है और आप लोगों को हम साथ ही साथ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों लेकर के चल रहे हैं सब्जेक्टिव तो आप क्लास में कर ही रहे हैं थ्योरी में और ऑब्जेक्टिव आपको साथ ही साथ हम वीकली कराते हैं बीच में होली का छुट्टी था इसलिए ब्रेक था और कल हमारे यहाँ नेटवर्क का कुछ समस्या था जिसके कारण कल क्लास नहीं हो पाया इसलिए दैनन्देर आज हम लिए चूँकि थोड़ा सा बीच में गैप ना हो जाए बहुत ज़्यादा गैप हो जाने से भी बच्चे में इंटरेस्ट घट जाता है लेकिन अब क्या है कि हम लोगों का हर संडे तो श्योर एंड सर्टेन है इसके अलावा और भी दिन होते रहेगा और आप लोगों को हम ये अभी जानकारी दे चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव क्लास जो हो रहा है ये जितना आप पढ़ते हैं उसी के अनुसार आपको क्वेश्चन मिलता है लेकिन जब चैप्टर अब लास्ट हो चुका है तो हम लोग क्या करेंगे एक और ऑब्जेक्टिव क्लास कर लेंगे तब बोर्ड मॉडल टोटल ऑब्जेक्टिव हम लोग प्रिपरेशन कर लेंगे और हम आपको यह गारंटी दे सकते हैं अब हम गारंटी दे सकते हैं आपको कि तीन क्लास ऑब्जेक्टिव का कर लिए एक और कर लीजिए और फाइनली बोर्ड मॉडल जब कर लेंगे ऑब्जेक्टिव तो यह गारंटी है कि इस चैप्टर से रिलेटेड यदि ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो इसी में से ही पूछेगा घुमा फिरा कर इससे बाहर नहीं पूछेगा समस्या कहाँ होती है बच्चों के साथ वो चाहता है कि हु बहु हु बहू ही पूछता है इसी को थोड़ा सा चेंज कर देता है थोड़ा सा चेंज कर देता है और कुछ नहीं होता है तो इसलिए आपको अभी दो और मैंने क्लास और करना होगा ऑब्जेक्टिव का इसके बाद फोर्थ और उसका फाइनल एक फाइनल होगा जो कि टेस्ट के रूप में होगा तो खैर चलिए अब बातें बाद में करेंगे चलिए आप लोग तब क्या आप लोग स्टार्ट हैं एकदम रेडी हैं आप लोग क्या मानकर चलें कि आप लोग रेडी हैं क्लास शुरू किया जाए फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं क्लास शुरू किया जाए जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए एकदम तैयार हैं क्लास शुरू किया जाए जल्दी से जवाब दीजिए तैयार तैयार हैं जल्दी से जल्दी से यस yes, नो no, में जवाब दीजिए थैंक यू थैंक यू बहुत अच्छा चलिए जल्दी 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 से जवाब दीजिए भाई यदि आप लोग तैयार हैं तो हम क्लास की शुरुआत करेंगे वेरी गुड वाह यस 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 बिल्कुल वेरी गुड चलिए बहुत ही प्यारे बच्चे हैं आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं चलिए अब हम लोग क्लास की शुरुआत करें धुआंधार बल्लेबाजी करें ठीक है और एक छोटा ही क्लास आज होगा ताकि आपको पीछे जो दो सप्ताह का गैप हो गया उसको आपको सिर्फ हम क्या करें थोड़ा सा वार्म कर दें ताकि फिर आगे आपको दिक्कत ना हो इसमें दो तरह का ऑब्जेक्टिव मिलेगा कुछ ऐसा भी ऑब्जेक्टिव होगा जो कि नए बच, बैच के बच्चों से रिलेटेड होगा लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव या मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव बोलिए जो कि मैंने हमारा पुराना बैच है उन बच्चों का होगा दोनों तरह का होगा तो चलिए आज के ऑब्जेक्टिव की शुरुआत अब कर दिया जाए फाइनली हम शुरू कर रहे हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं दिए नहीं है देने जा रहे हैं देने जा रहे हैं अभी दिए नहीं आपको देखने नहीं दे रहे हैं थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहां पर कुछ करना चाह रहे हैं इसीलिए नहीं दे रहे थे अब देंगे अब हटेंगे हम जैसे समझ आइएगा क्वेश्चन शुरू हो गया ये लीजिए अब आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने चलिए आपके सामने आज का फर्स्ट क्वेश्चन इसका जवाब आपको देना है जल्दी से बाद में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आप पढ़िए खुद से क्वेश्चन और जवाब दीजिए जल्दी से बच्चों चलिए जरा जल्दी से जवाब दे दीजिए तो वाह वेरी गुड वेरी गुड आंसर आना शुरू हो गया आंसर आना शुरू हो गया वेरी गुड बहुत अच्छा बहुत अच्छा वेरी गुड ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है एकदम ठीक है हम अभी कुछ नहीं बता रहे हैं थोड़ा सा देख रहे हैं कि आप लोगों को पीछे का कुछ याद है या नहीं है उसके बाद तो फिर हम बताएंगे ही बिल्कुल एकदम प्रिपेयर्ड आप बुझा रहे हैं है ना वेरी गुड देखिए क्वेश्चन को समझा जाए हर तरह के बच्चे इसका जवाब दे सकते हैं वेरी गुड बी 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 एकदम भरा हुआ है चलिए चलिए देख लेते हैं आंसर क्या होना चाहिए नहीं आप लोग गलत तो बोल नहीं सकते हैं। हमको विश्वास है आप लोग गलत नहीं बोल सकते चलिए देखते हैं क्या सही है या गलत है अब आप लोग जब बोल ही रहे हैं बी 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 तो हमारे मुताबिक तो बी ही होना चाहिए जाति से बाहर काम भी नहीं करना चाहिए है ना हम लोगों की एक ही जाति है स्टूडेंट और टीचर की जाति और यह जाति सबसे महान जाति तो आप जो जवाब देंगे मेरा भी वही जवाब ना जवाब डिफरेंट कैसे होगा क्योंकि आप बिल्कुल सही दे रहे हैं चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कंपोनेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कंपोनेंट्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कंपोनेंट अरे सोल्यूशन का दो कंपोनेंट होता है किस कंपोनेंट के बारे में बोल रहा है सोल्यूट कंपोनेंट का मोल अब बा मास ऑफ सॉल्वेंट इन के तो सोल्यूट कंपोनेंट के मोल को सोल्यूट कंपोनेंट के मोल को यदि एन से डिनोट कर दे अब मास ऑफ सॉल्वेंट इन के को या तो डब्ल्यू या डब्ल्यू के से डिनोट कर दे तो ये क्या चीज को डिफाइन करेगा क्या चीज को डिफाइन करेगा किसी विलय अवयव के मोलों की संख्या

विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में तो वही तो वह विलय कंपोनेंट यानी दो कंपोनेंट में विलय कंपोनेंट का ही सिर्फ बोल रहा है तो बोलिए ऊपर हो गया नंबर ऑफ मोल्स और नीचे हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी परिभाषित करता है क्या चीज को ये तो आप लोग बहुत अच्छा से जवाब दे चुके हैं आप लोग खुद अभी जस्ट जवाब दे चुके तो फिर हमको सोचना क्या है क्या मोले लीटी बहुत अच्छा सुंदर अति सुंदर बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं इसमें भी रुकिए अभी आपको हम क्वेश्चन देखने नहीं देंगे भाई अभी हम आप लोगों को क्वेश्चन देखने नहीं देंगे अच्छा साथ ही साथ स्क्रीन शॉट यदि लेना पसंद करते हैं तो कर सकते हैं क्योंकि हमने क्या कहा है आपको बता दें जरा से याद दिला देते हैं आप लोगों को हमने कहा है कि आपको हमसे यदि ऑब्जेक्टिव चाहिए तो हम क्या बोले थे आपको कि आप अभी साथ साथ ऑब्जेक्टिव यदि नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीन लेते चलिए ठीक है फाइनली हम बोले थे कि जब यह चैप्टर का फाइनल टोटल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा तो हम ब्लैंक ऑब्जेक्टिव आपको टोटल पीडीएफ भेज देंगे टोटल पीडीएफ ब्लैंक और टिक लगा हुआ नहीं जैसे यह टिक लगा हुआ है तो यदि टिक लगा हुआ है तब तो यह आंसर आप दिख जाएगा आपको तब आपको फिर बाद में अपने से चेक नहीं कर पाएंगे तो ये अभी आप स्क्रीन ले लिया कीजिए ठीक है यूट्यूब पर आने का सेंस ये है कि आप स्क्रीन ले लीजिए और बाद में जब पूरा ही चैप्टर का ऑब्जेक्टिव फाइनल हो जाएगा तो हम जितना चार टेस्ट और एक फाइनल टेस्ट जो होगा टोटल का ब्लैंक ऑब्जेक्टिव आपको भेज देंगे तो आप क्या कीजिएगा अपने से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि पता चले कि आपने कि, आप कितना सीख पाए है ना तो मजा आ जाएगा उसमें इसीलिए अभी आप स्क्रीन इसका लेना चाहते तो ले लीजिए अब चलिए हम लोग अरे रे रे ये लोग तो इसका भी आंसर दे दिया वेरी गुड नंबर टू नंबर टू नंबर टू नंबर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स डिफाइन, किसी अवयव के मोलों की संख्या सभी घटकों के मोलों की कुल संख्या परिभाषित करता है वाह वाह आप लोग तो गर्दा उड़ा रहे हैं वेरी गुड बहुत अच्छा बहुत अच्छा अति सुंदर वेरी गुड यानी अब आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ने सीख रहे हैं एकदम फर्स्ट और सेकंड डे में आप लोगों के साथ क्या था कि आप लोग पकड़ नहीं पाते थे लेकिन अब देख रहे हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव पकड़ने सीख गए कि क्वेश्चन कैसे बोलता है और उसका आंसर कैसे देना चाहिए ये आप में क्षमता आ गई बस यही तो आप में क्षमता का विकास करना था वेरी गुड सुपर बहुत अच्छा इसी तरह मेहनत करना है बच्चों वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा ये एक अच्छे बच्चे का पहचान है वेरी गुड जबरदस्त है जबरदस्त चलिए वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बच्चे चलिए चलिए देखते चलिए देखते चलिए देखिएगा क्या बोल रहा है जरा सा समझिए किसी अवयव के मोलों की संख्या पहले एक दो ठो स्लो चल रहे हैं फिर हम लोग चले आएंगे किसी कंपोनेंट के मोलों की संख्या कंपोनेंट तो सॉल्यूशन का दो होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसी का भी बोल रहा है किसी कोई भी कंपोनेंट के मोलों की संख्या देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेट किसी भी कंपोनेंट का मोल हो चाहे सोल्यूट का मोल हो या का मोल हो टोटल नंबर ऑफ ऑफ मोल्स ऑल द कंपोनेंट यानी जितना कंपोनेंट होता है सोल्यूशन का दो होता है सोल्यूट सोल्वेंट दोनों का नंबर ऑफ मोल्स यानी देखिए यहां ऊपर हो गया एन वन या एन टू यानी कोई भी कंपोनेंट का मोल लेना है और नीचे हो गया टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन वन प्लस एन टू है ना ये किसको डिफाइन करता है तो ये इस डिफाइन किसको करेगा मोल फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में यहां एन छूटा हुआ है भैया आप लोग कर लेंगे ठीक है मोल फ्रैक्शन को आंसर क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ये तो आपको पता ही है आप लोग तो एकदम परफेक्ट आंसर दे रहे हैं सी आप लोग तो आंसर दे ही रहे हैं सी है ना बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड चलिए हमको तो एकदम सब सही आंसर ही दिख रहा है गलत आंसर तो अभी तक दिखा नहीं भाई बहुत अच्छा और हमारे बताने से पहले ही आप लोग आंसर देकर रेडी हो जाते हैं वेरी गुड चलिए स्क्रीनशॉट लेना था तो ले सकते हैं नेक्स्ट चलें खिलाएंगे खिलाएंगे भैया रसगुल्ला अच्छा हिंदी में ऑप्शन ऐसा कुछ नहीं है बाबू ऐसा ऑप्शन रहता ना अच्छा ठीक है नेक्स्ट बार से हम इसका लिख दिया करेंगे इसका मोलर ता मोललता लिख दिया करेंगे लेकिन ऐसा कुछ तो नहीं है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें ये लीजिए इसको देखिए इस क्वेश्चन को आपको बनाना है पहले हम एक बार बोल देते हैं आपके पास रफ कॉपी होगा आप रफ कॉपी लेकर के उसको बनाइए देखिए तो क्या है फोर लीटर ऑफ जीरो पॉइंट जीरो टू मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एकदम स्लो मोशन में पढ़ा रहे हैं पकड़िए फोर लीटर ऑफ जीरो जीरो पॉइंट टू मोलर जीरोक्स सोल्यूशन ऑफ वाज बाय एडिंग वन लीटर ऑफ वाटर देखो भाई चार लीटर सोडियम क्लोराइड का एक्व सोल्यूशन है जिसका मोलरिटी दिया हुआ है और उसमें हम लोग एड कर रहे हैं वन लीटर वाटर द मोलेटी ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन ऐसे गलती हुआ है मोलिटी नहीं होगा मोलरिटी होगा यहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं मोले आर आई टी वाई कर दीजिएगा ठीक है देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है 0.02 पॉइंट जीरो क्योंकि फर्स्ट मोलर है भी मोलर एनएसीएल के चार लीटर जलीय बिलियन में एनएसीएल का जलीय बिलियन सोडियम क्लोराइड का जलीय जलीयिल चार लीटर और उसकी मोलरिटी दिया हुआ है एक लीटर जल मिला दिया गया वो चार लीटर बिलियन में एक लीटर जल मिला दिया गया और मिला करके तनुकृत कर दिया गया डायल्यूटेड कर दिया गया डायल्यूटेड डायल्यूटेड परिणामी बिलियन की मोलरता है बता सकते हैं क्या बना के बताइए बना के बताइए ऐसे बहुत सारा बच्चा आंसर देने के लिए एकदम परेशान है बना के बताइए पहले बना लीजिए सोचिए इसको पहले डायल्यूट वाला है डायल्यूट वाला डायलूट वाला।, वाला हम ट्रिक पर भी बताएं प्रोसेस पर भी बताएं डायल्यूट वाला है थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है आज आप लोगों का क्या बात है ये थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा इसमें क्यों गड़बड़ा रहे हैं चलिए देखिए सोचिए 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 पहले सोचीये, सोचीये. हाँ, बहुत बच्चा अभी एकदम स्लो है है इसलिए कि वो बना रहा बनाइए बनाइए अब आपसे हमको बनवाना है ना हम ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है आज हमारे पास पच्चीस ही ऑब्जेक्टिव और सब दिन तो तीस चालीस बनाते थे लेकिन नहीं एकदम कम ही लेकिन अब आपसे बनवाना है ना देखिए भैया आप लोग क्या कर रहे हैं कि एक का आंसर देख रहे हैं उसी अनुसार चल रहे हैं ये हम पहले ही बोले हैं ना कि बजरंग बली शॉर्ट से हमको नफरत है जब भी ऑब्जेक्टिव बनाइए तो सही से सोच समझ करके बनाना है है ना बजरंग बली शॉर्ट नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है तो चलिए जरा जल्दी से बनाइए तो चलिए आइए जरा सा देखा जाए बच्चों एकदम आप लोग ध्यान से देखिए आप जब डाइल्यूट वाला प्रॉब्लम है डाइल्यूटेड वाला तनु करने वाला तो आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं एम वन भी वन इक्वल टू एम टू भी टू पहला बात फर्स्ट केस में मोलरिटी दिया हुआ जीरो पॉइंट जीरो टू देख लीजिए और फर्स्ट केस में सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है फोर लीटर सेकेंड केस में बोल रहा है मोलरिटी निकालने के लिए कब बोल रहा है मोलरिटी निकालने जब उसमें एक लीटर पानी और डाल दिए यानी पहले से पहले से चार लीटर सॉल्यूशन था कोई भारी प्रॉब्लम नहीं है भैया और उसमें एक लीटर वाटर और दे दिए तो अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया पांच लीटर है ना पहले से चार लीटर था अब वॉल्यूम हो गया पांच लीटर एक लीटर जल मिलाकर यानी पहले से चार लीटर है उसमें एक लीटर जल मिला दिए ठीक है डाइल्यूट कर दिया आपको याद है कि डाइल्यूट वाला जो प्रॉब्लम बता रहे थे क्लास में तो वहां पर एक एग्जाम्पल दिए थे हर बैच में यही एग्जाम्पल दिए थे कि आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं और उसके लिए आपके पिताजी व्यवस्था किए थे बहुत सारा चीज का लेकिन वो रात हो गया बहुत लेट आए तो सब कुछ खराब हो गया क्योंकि आपके गांव में बिजली भी नहीं थी तो लास्ट में वो शरबत बना के रखे थे और इतना लेट नाइट वो पहुंचे कि दुकान वगैरह भी बंद हो चुका था चीनी भी उतना सा ही बचा था चाय पिलाया जा सके और आदमी भी ज़्यादा आ गए थे तो बोला आपके पिताजी क्या बोले थे पानी फेट फेट याद आया तो डायल्यूट वाला प्रॉब्लम है डायल्यूट वाला याद आया तो बताइए कि यहां पर वॉल्यूम कितना हो गया एक लीटर पानी और मिला दिया तो चार एक पाँच लीटर हो गया ना तो वॉल्यूम हो गया फाइव लीटर M2 टू निकालना है ये फाइव नीचे आएगा जीरो पॉइंट जीरो टू इन टू फोर बाय फाइव कोई तकलीफ चलिए पॉइंट उड़ाइए पॉइंट उड़ाइए तो ये हंड्रेड हो गया एकदम स्लो हम बता रहे पहले पकड़ तो लीजिए चलिए अब क्या करिएगा बताइए आप ही बताइए चार से ये पच्चीस बार में हो गया अब तो नहीं कट सकता है तो टू कितना हो गया बोलिए वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव टू बाय हंड्रेड ट्वेंटी फाइव जीरो पॉइंट पॉइंट दिए तो ट्वेंटी हुआ फिर जीरो दीजिए तो अब दो सौ हो गया एक बार में तो हो गया पचहत्तर बच गया पचहत्तर बच बचा ना अब छः बार में हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो वन सिक्स जीरो पॉइंट जीरो वन सिक्स देखिए जीरो पॉइंट जीरो वन सिक्स आ रहा है देखिए अब ये सभी बच्चे भी बना लिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत स्लो चल रहे थे आज आप लोग बहुत स्लो हैं प्रॉब्लम बना रहे थे चलिए अब हो गया पकड़ में आया कि कहाँ गलती किए थे इससे पहले जो आपको प्रॉब्लम देते थे उसमें हम ऐसे बोलते थे कि चार लीटर कोई बिलियन है उसको नौ लीटर तक तनु किया जाए चार लीटर था उसको नौ तक तनु किया था नौ तक डाइल्यूट किया था डाइल्यूटेड अप टू अपन लीटर तो यानी चार से बन जाता था नौ लीटर लेकिन इस बार ये नहीं बोल रहा है यहां पर डाइल्यूट करके पांच लीटर बनाएगा कैसे तो वो पांच लीटर जो बनाएगा ये नहीं बोल रहा है बोला कि एक लीटर जल एड कर दिए तो चार था तो पांच हो गया अब समझ में आ गया अब देखिए एकदम गड़गड़ा करके जवाब आने लगा डी 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 चलिए मिस्टेक हुआ ना तो ये सब थोड़ा सा थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है ये सब ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव बनाने में ये छोटी छोटी बात को ध्यान नहीं रखिएगा तो ऑब्जेक्टिव मिस होगा हम लोगों को अपने लेवल का जितने तरह का ऑब्जेक्टिव है सबको बना करके एकदम तैयार हो जाना है ठीक है चलिए अब हंसने लगे सभी बच्चे वेरी गुड हाँ ठीक है यस सर मेरा सही था वेरी गुड अब समझ गए इसलिए हम एकदम स्लो चल रहे हैं इसलिए एकदम स्लो चले चलिए जिसको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लीजिए अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए ले लिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब थोड़ा फास्ट हो जाते हैं लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइडियल सॉल्यूशन आर दोज ये ये ओल्ड बैच के लिए है ये न्यू बैच में अभी नहीं हुआ है ठीक है न्यू बैच जो तीन है सुबह आठ से नौ शाम चार से पाँच शाम पाँच से छः इसमें अभी नहीं हुआ है ठीक है लेकिन आपका भी आते रहेगा अभी तक तो तीन क्वेश्चन आप लोगों के लायक भी था सभी के लायक था और ये जो है ये सब भादमा की बैच के लिए है चलिए आइडियल सॉल्यूशन आर दोज ए नंबर ओबे लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर विच हैव डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू जीरो ऑल ऑफ दिच आदर्श विलियन यह है जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता हो उसका जो है डेल्टा एच जीरो हो जाए डेल्टा भी मिक्सचर का जीरो हो उपरोक्त सभी पढ़े हुए हैं चेंज इन चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाए बताइए वाह 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 वा, वा, अरे रे रे रे, रे आइडियल सॉल्यूशन वो भी आप लोग भूलिए आइडियल सॉल्यूशन वो भी आप लोग भूलिए पॉजिटिव डेविएशन निगेटिव डेविएशन आप लोग भूलिए वाह कभी नहीं वेपर प्रेशर आप लोग भूलिए कभी नहीं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आप लोग भूलिए कभी नहीं वाह देखिए 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 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आप लोग तो आज एकदम जवाब दे रहा हैं वहां पर थोड़ा सा आप लोग मिस किए थे लेकिन अब देख रहे हैं कि नहीं आप लोग जबरदस्त जवाब दे रहे हैं वाह ये हुआ अच्छे बच्चे का पहचान वाह चलिए वेरी गुड वेरी गुड चलिए तब आंसर क्या होगा यहां तो सभी चीज का ना फॉलो किया तो क्या हो जाएगा बताइए उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दिज ऑल ऑफ दिज क्योंकि जानते हैं यदि आइडियल सॉल्यूशन होगा तो इंटायर सॉल्यूशन में राउल को फॉलो करेगा उसके बाद जानते हैं कि चेंज इन इन वॉल्यूम भी जीरो होगा हो और जब सब होगा तो यह क्या होगा ऑल ऑफ दिज चलेगा आइए अब एक मजेदार क्वेश्चन दे रहे मजेदार क्वेश्चन एक मजेदार क्वेश्चन देखिए इटो मजेदार क्वेश्चन हाल फिलहाल हम बैच में चर्चा किए थे उस क्वेश्चन को आप लोगों को दे रहे हैं एक मजेदार क्वेश्चन देखिएगा जरा सा गौर करिएगा देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है हाल फिलहाल हमको लग रहा है कि जितना भी ओल्ड बैचे सब में चर्चा किए थे और नहीं तो आप फिल भी कर लीजिएगा देखिए पहले पहले आप हिंदी में समझ लीजिए फिर इंग्लिश में पढ़ते हैं कमरे के तापमान पर जल में चीनी को घोलने पर रूम टेम्परेचर पर जल में चीनी को घोल रहे है। ठीक है विलियन ठंडा महसूस होता है एकदम सही एकदम सही आप पानी में चीनी को घोलिएगा रूम टेम्परेचर पर जनरली हम लोग घर में शरबत बनाते हैं तो रूम टेम्परेचर पर ही बनाते हैं तो देखिएगा वो थोड़ा ठंडा महसूस होता है शरबत पीने पर भी राहत मिलता है थोड़ा तो कमरे के तापमान पर जल में चीनी को घोलने पर विलियन ठंडा महसूस होता है निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में चीनी का घुलना तीव्र होगा इसमें से किस परिस्थिति में चीनी बहुत तेजी से घुलेगा ये चार ऑप्शन है इसमें से चीनी घुलना तो सब में है लेकिन किसमें ते, तेजी से चीनी घुलेगा ये पता लगाना है क्वेश्चन समझ में आ रहा है हम लोग देखिएगा कि पानी में चीनी को जब घोलते हैं तो वो थोड़ा ठंडक महसूस होता है उस पानी में ठीक है फिलकी ठीक है अब बोल रहा है निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में चीनी का घुलना तीव्र होगा यानी ये जो चार ऑप्शन है इसमें से किसमें तेजी से चीनी घुलेगा ठंडे जल में चीनी का रवा यानी चीनी का रवा मीन्स दाना ठंडा जल में यदि चीनी का दाना घुलाएंगे तो क्या चीनी का घुलना तीव्र होगा गर्म जल में चीनी का रवा पानी गर्म उसमें चीनी का दाना डालेंगे तो तेजी से घुलेगा ठंडे जल में चीनी का महीन चून चीनी का महीन चून डालेंगे ठंडे जल में तो तेजी से घुलेगा क्योंकि चीनी का घुलना किस परिस्थिति में तीव्र होगा गर्म जल में चीनी का महीन महीनचून गर्म जल है उसमें चीनी का महीन महीनचून पिसा हुआ महीन महीनचून डाल देंगे तो वह तीव्र गति से घुलेगा देखिए आप लोग हिंदी वाले बच्चे इसको सोचिए और इंग्लिश वाले बच्चे का यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं ऑन डिजोल्विंग सुगर इन वाटर एट रूम टेम्परेचर जब हम लोग रूम टेम्परेचर पर क्या करेंगे शुगर को वाटर में डिजोल्व करेंगे सोल्यूशन फील्स कूल टू टच टच करने पर सोल्यूशन ठंडक महसूस महसूस प्रदान करता है अंडर व्हिच ऑफ द डिजोल्यूशन ऑफ शुगर विल बी मोस्ट रैपिड इसमें से किस कंडीशन में चीनी का घुलना सुगर का डिजोल्यूशन बहुत तेजी से होगा रैपिड होगा है ना सुगर क्रिस्टल इन कोल्ड वाटर जब कोल्ड वाटर में शुगर का क्रिस्टल घुलाएंगे तब तेजी से घुलेगा सुगर क्रिस्टल इन हॉट वाटर आज हम बहुत तेजी से नहीं पढ़ा रहे ऑप्शन को समझा रहे हैं बारी बारी से स्टेप बाइज आप लोग आंसर दे रहे हैं आपका स्वागत है आप बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं लेकिन हम अभी नहीं देख रहे हैं आपका ऑप्शन शुगर क्रिस्टल इन हॉट वाटर हॉट वाटर में शुगर का दाना डालेंगे तब तेजी से घुलेगा पाउडर्ड शुगर इन कोल्ड वाटर कोल्ड वाटर में हम लोग क्या करेंगे चीनी का महीन चूर्ण डालेंगे तब जल्दी घुलेगा या हॉट वाटर इन पाउडर्ड शुगर गर्म जल में चीनी का महीन चूर्ण डालेंगे तीव्र गति से घुलेगा हां तो आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है भैया अब हम आप लोगों का आंसर देखें वाह वाह, वाह। मैक्सिमम का डी आ रहा है भाई मैक्सिमम का डी आ रहा है मैक्सिमम बच्चे का डी आ रहा है मैक्सिमम बच्चे का डी आ रहा है पानी में चीनी घोलेंगे तो ठंडक महसूस होगा उससे हमको कोई मतलब टाइम देकर के आपको कंफ्यूजन में डाल रहा है वो तो वो तो वो तो मैंने सोलबिलिटी का एक प्रोसेस है लेकिन मेन चीज आपको यहां पर क्या बोल रहा है कि किस परिस्थिति में चीनी का घुलना तीव्र होगा देखिए यहां पहले मेरी बात को समझिए पानी में चीनी को जो घोलते हैं जैसे ये चीनी का दाना है जैसे ये चीनी का दाना है जब पानी में डालेंगे तो इसका महीन कन अंदर में जाकर के फैल जाएगा मॉलिक्यूल में टूटेगा और पीस दिए यदि हम लोग पिसा हुआ पाउडर है तो वह तो और पाउडर यदि है तो वह तो और मॉलिक्यूल में बदला हुआ है तो यहां पर डालेंगे तो और तेजी से ना घुलेगा यदि कोई दाना को डाले रवा को डाले तो वो पहले टूटेगा छोटे छोटे मॉलिक्यूल में और यदि हम लोग पिसा हुआ दिए तो वो तो रवा में बदला सॉरी मॉलिक्यूल में बदला हुआ है तो वो फटफट घुलेगा -फट अब इसमें भी किस में तेजी से घुलेगा तो आप लोग पढ़े हुए हैं टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोलिबिलिटी बढ़ेगा आप यह पढ़े हुए हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोलिबिलिटी बढ़ेगा तो भाई ठंडे जल की तुलना में एक तो महीन जल महीन चूर्ण होगा तो तेजी से घुलना है लेकिन अब उसमें भी यहां ठंडा जल है यहां पर गर्म जल है तो गर्म जल में टेम्परेचर अधिक होगा और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो सोल्यूबिलिटी बढ़ना है बढ़ना है तो यानी आंसर क्या होगा भैया आप लोगों में बहुत सारे अच्छे प्यारे बच्चे जवाब दे दिए थे एकदम तगड़ा जवाब दे दिए थे आप लोगों में बहुत सारे अच्छे बच्चे तो क्या हो गया आंसर क्या हो गया आंसर पाउडर्ड सुगर इन हॉट वाटर गर्म जल में हम लोग चीनी का महीन चून डालेंगे तो तीव्र गति से घुलेगा क्यों क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा सॉलिड की सॉल्युबिलिटी बढ़ता है पढ़ चुके हैं सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करने वाला फैक्टर में टेम्परेचर एक बड़ा फैक्टर है हाँ लेकिन उसमें भी बताएं कि बसरते वह प्रोसेस क्या हो इंडोथर्मिक होगा तब तो चीनी का घुलना एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है एक्सोथर्मिक होता तो सॉल्युबिलिटी घटता इंडोथर्मिक प्रोसेस में सॉल्युबिलिटी बढ़ता है ये सब सब बात हम लोग चर्चा कर चुके हैं आइए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी से स्क्रीन शॉट लेना है तो लीजिए ये आपको इतना लंबा चौड़ा जान करके लिख करके दिया कि जब चीनी को पानी में घुलाएंगे तो ठंडक महसूस होगा आप भी परेशान हो जाइएगा कि वो ठंडक महसूस होगा तो ठंडा जल में ज्यादा घुलेगा नहीं 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 यहाँ पर मेन दूसरा लाइन से देखना है कि किस कंडीशन में चीनी का घुलना तीव्र होगा वो देखना था मेन चलिए चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलिए शाबाश कोई बात नहीं रॉन्ग बात कोई बात नहीं भैया ऐसे ही रॉन्ग और राइट होते रहता है ठीक है इसी से तो आप सीख जाइएगा ना बहुत अच्छे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं ये लीजिए क्वेश्चन हम हिंदी वाले बच्चों का ही पहले पढ़ देते हैं तब इंग्लिश वाले बच्चों का इस बहाने हिंदी इंग्लिश वाला बच्चा भी समझ जाता है किसी दिए गए द्रव विलायक की खास मात्रा में कोई द्रव विलायक का खास मात्रा लिया यानी कुछ फिक्स अमाउंट लिए हैं किसी दिए गए द्रव विलायक की खास मात्रा में यानी फिक्स मात्रा में डिफिनिट क्वांटिटी है ठोस विलय की अधिकतम मात्रा घुलाना घुलना कोई कोई सॉल्वेंट का खास मात्रा लिए उसमें सॉलिड सोल्यूट का अधिकतम मात्रा हम घुलाना चाह रहे हैं निर्भर नहीं करता किस पर निर्भर नहीं करेगा कोई सॉलिड सॉल्यूट का अधिकतम घुलना यानी सॉल्युबिलिटी किस पर निर्भर नहीं करेगा टेम्परेचर पर सॉल्यूट के नेचर पर प्रेशर पर बिलायक की प्रकृति पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सॉलिड सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन ए स्पेसिफिक सॉरी स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन किस पर डिपेंड नहीं करेगा कोई सॉलिड सोल्यूट को एक डिफिनिट अमाउंट में लिए गए लिक्विड सोल्वेंट में हम घुलाना हैं तो लिक्विड सॉल्वेंट में किसी सॉलिड सोल्यूट को घुलाना चाह रहे हैं तो इसमें से किस फैक्टर पर वह डिपेंड नहीं करेगा टेम्परेचर पर नेचर ऑफ सोल्यूट पर प्रेशर पर नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर बताइए बताइए यह सब जवाब नहीं दीजिएगा तो क्या दीजिएगा अरे रे रे इस तेजी से जवाब है कि हमको दिख नहीं रहा है वाह चलो 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 जल्दी 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 वेरी गुड वेरी गुड वाह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एकदम एकदम क्योंकि तो आप जान रहे हैं कि सोल्युबिलिटी पर सॉलिड की सोल्युबिलिटी पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है सॉलिड की सोलिबिलिटी पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है उसके लिए हम ऐसे समझाए थे क्लास में कि जैसे दो टब में पानी है एक टब हो गया दूसरा टब हो गया दो टब में पानी है बोले थे इसमें ऐसे करके नमक गिराइए इसमें ऐसे तेजी से ऐसे मार करके छिट्टा मार करके गिराइए नमक तो क्या होगा नमक की सॉल्युबिलिटी दोनों में डिफरेंट होगा नहीं क्योंकि सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का कोई सार्थक प्रभाव कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है तो आंसर क्या होगा भैया आंसर वही होगा जो आप लोग बोल दिए आप लोग गलत तो बोल नहीं सकते हैं प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आंसर क्या हो गया सी आंसर हो गया सी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एकदम क्लियर कट जवाब है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें एकदम स्टेप स्टेप सीखिए धीरे धीरे सीखिए कोई जोरी नहीं हर बढ़ाने का ठीक है पर्याप्त समय हम लोग अब तैयारी कर रहे हैं एग्जाम का तैयारी अभी से हम लोगों को टारगेट लेकर के चलना है कि एकदम जो हम लोगों का परंपरा है उस परंपरा को तोड़ना नहीं है एकदम फ्री फायर है ना चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ दें बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन आपके सामने हम नहीं पढ़ रहे जानके आप लोग पहले देख लीजिए उसके बाद तो फिर हम बताएंगे उसके बाद तो हम बताएंगे ही ना चलिए एकदम धीरे धीरे समझना है कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है देखिए हाइड्रोजन बंधन का निर्माण कंसिडरिंग द फॉर्मेशन ब्रेकिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड का बनना टूटना और हाइड्रोजन बॉन्ड की शक्ति स्ट्रेंथ प्रिडिक्टिच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर विल शो ए पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ बोला कि यह जो मिक्सचर है दो तीन तरह का मिक्सर है मिथेनॉल एंड एसिटॉन क्लोरोफॉर्म एंड एसिटॉन नाइट्रिक एसिड एंड वाटर फिनॉल एंड एनिलीन इस इस मिक्सचर में से कौन सा मिक्सचर ऐसा है जो कि राउल लॉ का पॉजिटिव डेविएशन बताएगा पॉजिटिव डेविएशन अभी हम दिमाग में डालेंगे आधा मिनट यदि भूल गए होंगे होली से पहले आप लोग यह सब पढ़े थे यदि दिमाग से उतर गया होगा तो हम थोड़ा सा याद दिलाएंगे तुरंत हो जाएगा देखिए हाँ हाइड्रोजन बंधन का निर्माण टूटना ब्रेकिंग उसकी शक्ति का मापन निम्नलिखित में से कौन मिश्रण राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट लॉ तो भाई आप जरा सा याद करिए कैसे पॉजिटिव डेविएशन पढ़े थे उसको जरा सा हम आपको याद दिलाते हैं पॉजिटिव डेविएशन दिमाग में ला सकते हैं आप पॉजिटिव डेविएशन इस तरह से पढ़े थे जैसे यहीं पर हम समझाते हैं मान लीजिए ये ए है याद आया ये बी B है, दो लिक्विड है दोनों को एक दूसरे में मिक्स कर दिए तो, तो बनकर उड़ने की कैपेसिटी टेंडेंसी ज्यादा होगी और यदि बनकर उड़ने की कैपेसिटी ज्यादा होगी तो वही ना पॉजिटिव डेवियशन तो पॉजिटिव डेवियशन में इंट्रैक्शन कमजोर होता है जो हमारा दो लिक्विड कंपोनेट का जो जो हमारा लिक्विड कंपोनेंट जो हमारा जो होता है उसका जो इंट्रेक्शन होगा उसके कंपेरिजन में इसका इंट्रेक्शन क्या होगा वीकर होगा है ना इस दो के कंपेयर में इसका इंट्रेक्शन कमजोर हो जाए तब पॉजिटिव डेविएशन और यदि स्ट्रांग हो जाए ए और बी का डिस्टेंस इस दोनों के कंपेयर में और घट जाए स्ट्रांग एट्रेक्शन लगे तो निगेटिव डेविएशन निगेटिव डेविएशन में भेपर बनकर उड़ने की कैपेसिटी टेंडेंसी कम होगी है ना निगेटिव पॉजिटिव दोनों पढ़ चुके हैं तो निगेटिव पॉजिटिव जब दोनों पढ़ चुके हैं तो अब बताइए जरा सा आप निगेटिव डेविएशन पढ़े हुए हैं निगेटिव डेविएशन में ये सब एग्जाम्पल को एक्सप्लेनेशन करके दिए हैं इसको भी आपको बताएं नाइट्रिक एसिड एंड वाटर फिनॉलो एंड एनिलीन देख लीजिएगा ये सब निगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है तो बच गया कौन मिथेनॉल एंड एसिटॉन ऐसे भी समझा देते हैं जरा सा हल्का सा समझा देते हैं डिटेल तो नहीं समझाएंगे क्योंकि आपको क्लास में बहुत अच्छा से समझाया गया है प्रेशर पर तो आपको इतना सफिशियंट टाइम दे दिए हैं कि आप वेपर प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन मिस नहीं कर सकते फिर भी एक बार थोड़ा सा मेरा फर्ज बनता है कि आपको थोड़ा सा बता दे मिथेनॉल मिथेनॉल इसको आप एम ई एच भी लिख सकते थे ये हो गया मिथेनॉल जब ए ए हुआ तो इसके बीच क्या हुआ बोलो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पोल है ये आपस में किस बॉन्ड से अट्रैक्ट है एच बॉन्ड से अट्रैक्ट है ठीक है और एसीटोन है डायमिथाइल कीटोन ये एसीटोन है डायमिथाइल कीटोन है इस पर क्या होता है याद करो यहां पर एच बॉन्ड तो बनेगा नहीं इस पर पार्शियल पॉजिटिव इस पर पार्शियल निगेटिव यहां पर क्या होगा बोलिए यहां पर डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन काम करेगा ये डायपोल हो गया उसी तरह एक और ले सकते हैं Osionfish. ये मान लीजिए यह हो गया कुछ दिमाग में है देखिए इस पर पार्शियल निगेटिव पोल इस पर पार्शियल पॉजिटिव पोल तो ये डायपोल डायपोल इंट्रेक्शन लगाता है ये वाला डायपोल डायपोल इंट्रेक्शन लगाता है तो ये एच बॉन्ड लगा रहा है ये डायपोल डायपोल इंट्रेक्शन लगा रहा है अब दोनों को मिक्स कर दिए दोनों को मिक्स कर दिए मिथाइल अल्कोहल और एसीटोन को मिक्स कर दिए तो मिथाइल अल्कोहल और एसीटोन को जब मिक्स कर दिए तो आप ही बताइए क्या होगा आप ही बताइए कि क्या होगा यह हो गया आपका एसीटोन यह हो गया एसीटोन डायमिथाइल और यह हो गया आपका मिथाइल अल्कोहल तो इस पर यदि यह डायपोल दिखाएगा यह डायपोल दिखाएगा तो यहां पर तो इस पर न पोल है लेकिन यहां पर यह देखिए यह तो नन पोलर ग्रुप है तो इस दोनों के बीच क्या होगा वीक ट्रैक्शन काम करेगा या या स्ट्रॉन्ग एट्रैक्शन तो वीकर इंट्रेक्शन होगा वीकर इंट्रेक्शन होने के कारण क्या होगा इसमें भेपर बनकर उड़ने की कैपेसिटी अधिक होगी और भेपर बनकर उड़ने की कैपेसिटी अधिक होगी तो कौन सा डेविएशन पॉजिटिव या निगेटिव पॉजिटिव डेविएशन तो क्या हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा आंसर मिथेनॉल एंड एसिटॉन मिथेनॉल एंड एसिटॉन एकदम हम अब जो है ना सेलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं ताकि आप उतना लोअर स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव बना चुके हैं अब थोड़ा सा सोचने वाला भी ऑब्जेक्टिव आपको सिखाना जरूरी है हर तरह का सीखिएगा किसी पर हल्का हल्का खाली गर्दा उड़ाने वाला क्वेश्चन पढ़ने से सिर्फ नहीं होगा ना वो तो आपको सिखाए रहे फिर फाइनल जब बोर्ड मॉडल तैयारी करवाएंगे तो उसमें फिर गर्दा उड़ाइएगा तो हर तरह का ऑब्जेक्टिव सीखना जरूरी है आपके लिए ना तो इसलिए एकदम सीखिए ठीक है चलिए कन्फर्म है चलिए वेरी गुड वेरी गुड आइए लेना है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी लीजिए बच्चों चलिए वेरी गुड ये लीजिए ये तो आपको समझाने के लिए था ये लीजिए अब फिर गर्दा उड़ाने वाला क्वेश्चन सब आ गया अब आ गया आपका फिर गर्दा उड़ाने वो पुराना था पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन वगैरह होली से पहले आप लोग जो पढ़े थे ना तो हो सकता है कि आपके दिमाग से स्लिप कर गया था अभी आप दिमाग में डाल दिए तब तो आ गया होगा पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन चलिए अब जरा सा यहां देखिए जरा सा इस क्वेश्चन को देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन अनुसंघ गुणधर्म निर्भर करता है अनुसंघ गुणधर्म निर्भर करता है अनुसंघ गुणधर्म निर्भर करता है द नेचर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व इन सोल्यूशन बिलियन में घुले विले के कणों की प्रकृति पर द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन सोल्यूशन बिलियन में उपस्थित के कणों की संख्या पर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व इन सोल्यूशन विलियन में घुले विले के कणों के भौतिक गुणों पर द नेचर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल विलायक के कणों की प्रकृति पर जल्दी से जवाब दीजिए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन किस पर निर्भर करता है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन बार बार ये बताया हुआ है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन विलियन का अनुसंग गुणधर्म निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है बता दीजिए जल्दी से किस पर निर्भर करता है हम तो बताएंगे ही ना पहले तो आपको जवाब देना वा, वाह 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 बहुत अच्छा एकदम जवाब फर्स्ट क्लास आने लगा भाई तगड़ा जवाब है वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा ठीक है ठीक है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो क्या लगा आप पढ़े हुए हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन जो डिपेंड करता है सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या पर विलय के कणों की संख्या पर क्या पढ़े हैं तो बस नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन विलय के कणों की संख्या पर विलय के कणों की संख्या पर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन कणों की संख्या पर क्लियर है? अब फिर इसी तरफ तो एकदम रटा, रटा क्वेश्चन है पहले से भी बता चुके हैं कि कुछ भी दिया रहे रहेगेटिव प्रॉपर्टी जब भी देख लीजिए उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करता हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो सोल्यूशन कहलाता है

क्वनांक मापी स्थिरांक का इकाई होता है इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्वानक मापी इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट हम थोड़ा हिंट कर दें आपको क्या इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट को आप कहते थे मोलल इलिभेशन कांस्टेंट। इलिवेशन कांस्टेंट। अब ये नाम नहीं पूछा है पूछ दिया हुआ जिसको आप सूचित किससे करते थे केबी से अब याद करिए इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट इसको हिंदी में कहते हैं क्वथनांक मापी स्थिरांक का यूनिट क्या होगा जल्दी से बता दीजिए जिसको आप केबी भी, भी कहते हैं जल्दी से बता दीजिए अरे जवाब तो सबका रेडी है वाह जवाब तो रेडी है आप लोगों का जिसको आप मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट भी कहते थे वाह सब बच्चे का आंसर ए आ रहा है वेरी गुड जितना पढ़ने वाला बच्चा है सब ज्वाइन किया है है ना चलिए वेरी गुड वेरी गुड बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा अरे यार डेल केबी का यूनिट क्या पढ़े थे केल्विन केजी जी परमोल केल्विन केजी जी पर मोल याद आया तो देखो ना केल्विन केजी जी पर मोल अब ये बताओ कि केजी जी पर मोल को आप पढ़े हुए मोलेलिटी पढ़े हैं न मोलेटी जो है एन बाय डब्ल्यू के जी ये हो गया ऊपर में मोल नीचे में हो गया के जी है ना यदि इसको उल्टा ऐसे रियल में होना चाहिए मोल पर के जी लेकिन यदि उल्टा दे तो क्या हो जाएगा उल्टा दे तो क्या हो जाएगा के जी मोल, यदि इसको उल्टा दिए तो के पर, पर पर केजी के जगह पर हो जाएगा केजी पर, के जी और मोल के जगह हो जाएगा पर मोल तो ये था जरा सा देखिए मोल पर केजी था किसका मोलेलिटी का यूनिट मोल पर केजी था मोलेलिटी का यूनिट लेकिन इस यूनिट को उलट दिए जहां पर था था वो हो गया था वो हो गया गया पॉजिटिव साइन साइन और जहां मोल वहां तो मोलेलिटी का जो यूनिट था उसी का उल्टा हुआ तो मोलेलिटी का मोलेलिटी का उल्टा ना हो जाएगा बोलो तो मोलेलिटी टू दी पावर माइनस वन होगा क्या नहीं और ये केल्विन तो पहले से देखो केजी पर मोल यदि यदि मोल पर केजी या या पर के जी मोल होता तो यह मोलेलिटी होता मोलेलिटी का यूनिट ये होता लेकिन उल्टा लिख दिया पर के जी के जगह पर के जी लिख दिया मोल के जगह पर मोल यानी यानी मोलेलिटी का जो यूनिट था मोल पर के जी उसका उल्टा कर दिया है ना पर मोलेलिटी हो गया तो ये देखो पर मोलेलिटी तो इतना सा का हुआ आइए केल्विन बात केल्विन पर मोलेलिटी भी इसको बोल सकते हैं दोनों ऑप्शन इसीलिए दे दिए हैं कि कभी एग्जाम में ऐसा ना दे करके ऐसा दे दे तो आपको दिक्कत ना हो ठीक है दोनों तरह का दे दिया है इसीलिए इसको एकदम समझिएगा ध्यान से कैसे वह पर समझ में आया अरे यार मोल पर के जी व मोलेलिटी तो मोलेलिटी का यूनिट मोल पर के जब इसको पर केजी को के जी कर दिया पर मोल कर दिया मोल को पर मोल यानी उल्टा कर दिया तो यहां पर भी मोलेलिटी का क्या हो जाएगा पर मोलेलिटी हो जाएगा उल्टा हो जाएगा ना तो पर मोलेटी तो हो गया इसके लिए के जी पर मोल के लिए और केलविन तो केलविन पर मोलेलिटी हो जाएगा है ना तो आंसर क्या हो गया ए आंसर क्या हो गया ए कोई तकलीफ कोई तकलीफ चलिए कोई दिक्कत बच्चों ये सब थोड़ा सा समझना होगा ये सब समझना होगा वेरी गुड सुजीत कुमार जी इसके लिए मेहनत एकदम करते रहिए एकदम हम लोग साथ हैं हम लोग सब हम लोग भागलपुर के अच्छे अच्छे टीचर आप लोगों के पीछे लगे हुए हैं बस भूख जो हम लोगों का है वो मिटना नहीं चाहिए बस ये ध्यान रखना है जो हम लोगों को टारगेट है उसको पूरा करना है तो करना है वेरी गुड चलिए नेक्स्ट ये लीजिए अब इसका दीजिए सेम बात है वो इब्योलोस्कोपिक कांस्टेंट था ये है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट तो लिखा हुआ है द यूनिट ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज द यूनिट ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज हिमांक हिमांकमी स्थिरांक का इकाई होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट किसको कहते थे याद कीजिए मोल डिप्रेशन कांस्टेंट मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट मोलल डिप्रेशन कौन जिसको किससे डिनोट करते थे Kf से याद आया तो बस वही तो यूनिट है जो कि इसका जो केबी का यूनिट होता था वही तो के एफ का भी यूनिट होता था यूनिट तो दोनों का सेम होता था तो आंसर क्या हो जाएगा बोलो केल्विन के जी पर मोल या केल्विन पर मोलिटी होगा ना चलिए कोई तकलीफ दोनों का तो सेम आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं दोनों एक ही था जरा जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना हो ना तो फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट तेजी से लिया कीजिए चलिए वेरी गुड वेरी गुड बी नहीं होगा भैया ए ही होगा इसका भी दोनों तो एक ही चीज है दोनों तो एक ही चीज है ना आइए नेक्स्ट की ओर चलते हैं ये लीजिए हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा मजेदार है यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ा गया है कोई बात नहीं हम बोल देंगे बाद में करेक्शन कर देंगे हम इसको लेकिन तत्काल अभी करेक्शन नहीं हो सकता है कोई बात नहीं हम पढ़ देंगे देखिएगा, बाइनरी आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कोई आइडियल सॉल्यूशन है लिक्विड वाला दो दो पदार्थ से बना सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है वो भी आइडियल सॉल्यूशन है तो फॉर ए बाइनरी आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन, द वेरिएशन इन टोटल वेपर प्रेशर वेरिएशन इन टोटल वेपर प्रेशर पीटी टोटल वेपर प्रेशर पीटी वर्सेस कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन इज गिवेन व्हिच ऑफ द कर्व्स किसके किसके बीच किसके किसके बीच हमारा बोल रहा है कर्व निकालने के लिए देखिए कोई कोई बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन का मैंने कोई लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन है लिक्विड से बना दो दो लिक्विड से बना सॉल्यूशन है द वेरिएशन इन टोटल टोटल वेपर प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन समझ रहे हैं ना सॉल्यूशन का कम पी या पी ये तो इस दोनों के बीच वर्सेस है ये वर्सेस या तो पी या पी बी. ठीक है तो हिच ऑफ द कर्फ्स ये कौन सा कर्फ इसके लिए लागू होगा पीटी और पीए या पीबी के बीच का ये दोनों में से कोई चली. एक चलिए एक द्वि आदर्श द्रव विलियन के लिए द्रव तो द्रव्यलियन बना रहे हैं दो पदार्थ दो द्रव से मिलकर बना होगा इसलिए द्वि अंगी आदर्श द्रव विलियन के लिए कुल वाष्प दाब में परिवर्तन कुल वाष्प दाब में परिवर्तन यानी पीटी एवं विलियन के संघटक के बीच विलियन का संघटक या तो पीए है या पीबी है कौन सा वक्र प्रदर्शित करता है कौन सा वक्र प्रदर्शित करता है बता दीजिए अरे वाह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वाह चलिए जबरदस्त जवाब है जबरदस्त जवाब है वाह चलिए एकदम सही है आप जो पढ़े हुए हैं हम याद दिला दें हम याद दिला दें कि आप जो पढ़े हुए हैं दरअसल गौर कीजिए हम एक ग्राफ आपको थोड़ा सा दिमाग में डाल देते हैं ग्राफ के बारे में आप जो पढ़े हुए हैं उसी ग्राफ को हम दिमाग में लाते हैं <coughs> क्या होगा थोड़ा सा लेट होगा दस ही क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं होगा कल फिर आ जाएंगे और क्या कुछ याद करिए कुछ याद करिए यदि यहाँ पर हम लोग पी नॉट ए ले लें यहां पर पी नॉट बी ले लें इधर लेते थे एक्स ए इधर लेते थे एक्स बी इसका वैल्यू इधर वन ज़ीरो पॉइंट नाइन ज़ीरो पॉइंट एट होते 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 यहाँ होता था जीरो यहाँ होता था वन ज़ीरो पॉइंट नाइन जीरो पॉइंट एट होते होते होते, होते यहाँ जीरो ये यह प्योर बी इंड प्योर ए इंड होता था कुछ याद करिए तो ये इसका यदि ये देखते थे तो ये डाउनवर्ड ग्राफ आता था इसका एक ग्राफ आता था इस तरह से अब पी टी आता था पी टी एकदम शॉर्ट में बताए तो इस बार के कर्व में आपके क्वेश्चन में वो वाला नहीं दिया कंपोनेंट का नहीं दिया सिर्फ ये वाला तो ये कौन सा कर्व है देखिए तो ये तो नहीं हो सकता है वेपर प्रेशर का ये तो वेपर प्रेशर का नहीं हो सकता है तो हमारा तो कर्व कौन सा पीटी का ये वाला ना पीटी का कर्व है पीटी का कर्व ये हो गया एक हो गया एक्सए का मैंने एक पी ए का सॉरी ये पी बी का हो गया ये हो गया पी ए का तो इसके वर्सेस पीटी का यही ना कर्व होगा तो यानी कौन सा होगा बोलो आंसर आंसर क्या होगा ए आंसर कौन सा हुआ ए

अब सिर्फ लो स्टैंडर्ड का ही आपको फर्स्ट डे और सेकेंड एकदम लो लेवल का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाए अब थोड़ा थोड़ा चेंज करके थोड़ा स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव भी जानना होगा चलिए अब तो तुरंत आप गर्दा उड़ा सकते हैं जरा बताइए प्रॉपर्टीज आर व्हेन प्रेक्षित किया जाता है जब अनुसंग गुंधन प्रेक्षित किया जाता है तब जब ए नॉन नोलाटाइल सॉलिड इज डिजॉल्व इनलाटाइल लिक्विड द्रव 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 में में कोई कोई और ठोस घुला घुला हो, A घुला हो, दोनों सुनिए फिर से एक बार फिर से सुनिए एक बार फिर से सुनिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हम लोग सोल्यूशन का पढ़ते हैं डेल्टा टीबी डेल्टा टी एफ है ना उसके बाद रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑस्मोटिक और, और प्रेशर तो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज की यह जो भी घटना घटती है उसमें हम लोग क्या पढ़े कब कैसे करते हैं क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज जो पढ़ते थे उसमें कैसे पढ़ते थे कुछ याद है आपको हम याद दिलाए बोले थे कि जब सॉल्वेंट वोला हो और इसमें कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट घुला हो जब सॉल्वेंट वाला हो और इसमें कोई नॉन वोला सॉल्यूट घुला हो तो क्या होगा वाष्पशील द्रव में कोई अवाष्पशील ठोस घुला हो देखें यहाँ नॉन वाला सॉलिड डिजोल्व इन वोलाटाइल लिक्विड लिक्विड हो क्या सोल्वेंट और उसमें सॉलिड क्या हो वोलाटाइल हो है ना चलिए यहां वोलाटाइल लिक्विड इज डिजोल्व इन अनदर वोलाटाइल लिक्विड दोनों वोलाटाइल होगा तब फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो नहीं पता चलेगा चलिए आइए चलिए चलिए वेरी गुड वेरी गुड चलिए चलिए थैंक यू थैंक यू सुजीत कुमार जी थैंक यू थैंक यू सुजीत जी वेरी गुड ये देखिए हमारे पुराने बच्चे थे सुजीत जी वो ड्यूटी से आए और उसके बाद जो है वो नोटिफिकेशन पर वो ज्वाइन कर लिए बहुत बहुत धन्यवाद चलिए याद तो आई सर का चलिए ये एक अच्छे बच्चे का पहचान है कि अपने गुरु को नहीं भूलता है चलिए वही यदि हम आपके साथ चीटिंग किए रहते तो आप हमको भूल गए रहते हम बस हमारा यही हमेशा लक्ष्य रहता है कि हम अपने बच्चों के बीच विश्वास जगाएं दुनिया क्या करता है उससे हमको कोई मतलब हमको अपने बच्चे से मतलब हमारा जो स्टूडेंट है जो शुरू से आज तक हमारे बीच है हमारा उसके बीच इंट्रैक्शन क्या है उससे हमको मतलब रहता है बाहरी क्या कमेंट करता है उससे कोई मतलब नहीं प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए तो पचास आदमी यदि सही बोलता है तो हज़ार आदमी गाली देता है तो उससे मोदी जी पर कोई असर नहीं पड़ता है तो बस हम इतना ही जानते हैं उसी तरह से हमको कोई असर नहीं पड़ता अदर कोचिंग के बच्चे अदर कोचिंग वाले बच्चे या कुछ शिक्षक बंधु यदि ऐसे हमको तो नहीं लगता यदि बोलते हैं तो यानी हमारा वो प्रचार ही कर रहे हैं उनकी बड़प्पन है किसी बहाने तो हमारी जानकारी सब जगह दे रहे हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है कहीं कोई हम कोई प्रतिक्रिया हमारी नहीं होती है हम उनको भी धन्यवाद देते हैं कि कुछ तो किसी बहाने तो बच्चे के बीच हम फैलते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है इसलिए हमको बहुत पुराना बच्चा जब भेंट होता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है शाबाश चलिए आइए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइए यदि यह नहीं बताए तो कुछ नहीं बताए आप लोग जल्दी से बताइए वैल्यू ऑफ मोलल इलिवेशन कॉन्स्टेंट फॉर वाटर इन केलविन के जी पर मोल जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान केलविन के जी पर मोल में है जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए बच्चों जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी से बताओ 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 तुम लोग ये सब ये सब तुम लोगों को एकदम दिमाग में सेट है बताओ मोलल इलीवेशन कांस्टेंट है डिप्रेशन नहीं है भैया डिप्रेशन नहीं है वेरी गुड वेरी गुड बहुत अच्छा बच्चा जवाब दे रहा है जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो मोलल जल्द इलिभेशन कांस्टेंट है मोलल उन्नयन स्थिरांक मोलल उन्नयन स्थिरांक जल्दी से जवाब देंगे आप लोग जल्दी से जवाब देंगे आप अच्छे बच्चे हैं जल्दी से जवाब दीजिए एकदम सही जवाब आ गया जीरो पॉइंट फाइव टू केल्विन के जी पर मोल ये तो बोल ही रहा है कि इन के जी पर मोल बोल ही रहा है ना चलिए जीरो पॉइंट फाइव टू केल्विन के जी पर मोल है ना कंफर्म है चलिए जीरो पॉइंट फाइव टू केल्विन के जी मोल आगे बढ़े आगे बढ़े चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए वैल्यू ऑफ मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इन केल्विन केजी पर मोल फॉर वाटर इज जल के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक का मान केल्विन केजी प्रति मोल में है जल के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक का मान केल्विन केजी प्रति मोल में है बताइए जल्दी से बताइए वो था मोलल इलिवेशन कॉन्स्टेंट यह मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट जल्दी बताइए जल्दी बताइए हम बोले थे कि वाटर के केस में सब दिमाग में रखना है जल्दी बताइए बच्चों ये प्रॉब्लम नहीं ये वैल्यू है के बी का वैल्यू हम लोग क्लासरूम में पढ़े थे कि इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है और बोले थे कि वाटर के केस में हम लोगों को याद रखना चाहिए वाटर के केस में याद रखना चाहिए वेरी गुड तो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू होता है 1.86 पॉइंट एट सिक्स केलविन के जी पर मोल वाटर के केस में और वाटर के केस में आ, मोलल इलिवेशन कॉन्सेंट जीरो पॉइंट फाइव टू केलविन के जी पर मोल होता है हम बोले थे कि वाटर का कुछ बात याद रखना है फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी ऐसे यह सब तो बात याद ही रहता है बच्चों को उसके अलावा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट का वैल्यू मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू वाटर के लिए हर बात दिमाग में रखना है एग्जाम में कभी कभी नहीं भी देता है तो इसलिए चलिए वेरी गुड आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन का जवाब नहीं दिए तो फिर हमको लगता है कि आप कुछ नहीं पढ़े जल्दी से जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन िकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इंक्रीजेज इन लिक्विड में इंटर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन यदि इंक्रीज कर जाए तो वेपर प्रेशर क्या होगा किसी द्रव्य अंतरान्विक आकर्षण बल बढ़ने पर किसी द्रव्य में अंतरान्विक आकर्षण बल बढ़ने पर वास्पदाब होगा द्रव में अंतरान्विक आकर्षण बल बढ़ने पर क्या होगा वेपर प्रेशर जरा जल्दी से जवाब दीजिए इसका जवाब जल्दी से आप लोग शुरू कर दीजिए लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच इंट्रेक्शन फोर्स बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा वेरी गुड वेरी गुड जल्दी से जल्दी से वाह 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 एकदम ठीक है एकदम ठीक है आप जान रहे हैं वेपर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंट्रेक्शन फोर्स या इंटर मोलिकुलर एट्रैक्शन फोर्स वही हुआ इंट्रेक्शन फोर्स यदि इंट्रैक्शन अधिक लगेगा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स अधिक लगेगा तो वह एक दूसरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से पकड़ा रहेगा तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा वो वेपर बनने की उसकी टेंडेंसी कम होगी तो यानी इंट्रैक्शन अधिक तो वेपर प्रेशर कम इंट्रैक्शन कम तो वेपर प्रेशर अधिक तो बोला किसी द्रव में इंट्रैक्शन फोर्स बढ़ने पर वाष्प दाब होगा घटेगा वाष्प दाब वेपर प्रेशर डिक्रीजेज वेपर प्रेशर घटेगा बहुत अच्छा बहुत अच्छा शाबाश मैक्सिमम बच्चे का जवाब सही था मैक्सिमम बच्चे का जवाब सही था नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना है इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना हम एक बार पढ़ देते हैं हम इसको पढ़ते हैं आप लोग जवाब दीजिए बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड बोर्ड मॉडल क्वेश्चन क्वेश्चन है में है में पूछा हुआ सब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन इजो पॉइंट जीरो सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर जीरो पॉइंट जीरो एट टू वन एटीएम

इस घोल का कंसंट्रेशन क्या होगा बनाइए एक बार आप लोग ट्राई ले लीजिए बना करके देख लीजिए पढ़े हुए हैं फॉर्मूला आप लोगों के दिमाग में है ये हम थोड़ा हिंट कर देते हैं पाई इक्वल टू सी सुने थे आपको निकालने क्या बोला है सांद्रण कंसंट्रेशन यानी सी निकालने बोला है तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए पाई बाय आर टी बाय आर टी अब देखिए तो बना करके अब जरा सा बना करके देख लीजिए हड़बड़ाना नहीं है हड़बड़ाना नहीं है भैया नहीं 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 ऐसे 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 बजरंग बली शॉट नहीं माना है प्लीज सोचिए सोचिए जरा सा टाइम लगेगा और क्या होगा हमको अभी आपको सिर्फ सिखाना है ना सिर्फ सिखाना है और दो चार मिनट क्लास लेंगे होगा तो हम रोक देंगे आप चिंता नहीं करिए ठीक है हमको तो आपको सिखाना है ताकि आप सीख सकें वाह देखिए ये बच्चे हैं नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा जवाब दिए नीतीश जी शाबाश नीतीश कुमार बनाए बहुत अच्छा बहुत अच्छा थैंक यू सुजीत जी थैंक यू थैंक यू चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा चलिए पंद्रह का आंसर तो हम भी बी लगाए हैं पंद्रह का तो आंसर बी लगाए डिक्रीजेज श्वेता कुमारी लिख रही थी चलिए चलिए वेरी गुड एनडीए ऑफिसर चलिए डी चलिए वेरी गुड वेरी गुड अब आप लोग हाँ एकदम ये एनडीए के लायक बच्चा सब है ये सब क्वेश्चन सोच करके जवाब देता है बहुत अच्छा बहुत अच्छा यही तो एक अच्छे बच्चे का पहचान है देखिए तो आप ही देखिए ना क्या दिया हुआ है भाई इसमें परेशान होने की जरूरत क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज जीरो पॉइंट जीरो एट टू वन एटीएम ऑस्मोटिक प्रेशर दिया जीरो पॉइंट जीरो एट टू वन चलिए आर का वैल्यू तो आप जानते हैं कि जीरो पॉइंट जीरो एट टू वन ही होता है टेम्परेचर कितना है टेम्परेचर कितना है भैया थ्री हंड्रेड आपको कंसंट्रेशन निकालना है पा इक्वल टू सी आर टी तो सी निकालना आर और टी नीचे आ गया हो गया अब क्या तकलीफ वन बाय थ्री हंड्रेड डिवाइड कर दीजिए वन बाय थ्री हंड्रेड अब हो सकता है अब हो सकता है बोलिए अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए चलिए अब भाग दे दीजिए ना जीरो पॉइंट दिए तो यहां हो गया टेन फिर जीरो देना होगा तो हंड्रेड फिर जीरो देना होगा थाउजेंड तो तीन बार में तो जीरो पॉइंट जीरो 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 कैसे हो गया गलती हो गया जीरो पॉइंट जीरो थ्री जीरो पॉइंट जीरो थ्री ये वाला ये ऑप्शन ही थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है देखिए पॉइंट दिए तो टेन हुआ फिर एक जीरो दिए तो हंड्रेड हुआ।, तो हुआ फिर एक जीरो देना होगा यानी जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री करके देना होगा ऑप्शन में है नहीं जीरो पॉइंट जीरो थ्री थ्री दे दिया यहाँ पर जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री होना चाहिए ऑप्शन आंसर डी होगा आंसर डी होगा लेकिन यहाँ जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री होना चाहिए जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री होना चाहिए होना चाहिए ना चलिए जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री होना चाहिए वेरी गुड ऑप्शन गलत है ऑप्शन गलत है फिर भी हम लोग ये मान करके चलेंगे डी जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री ऐसे इसमें नन ऑफ दीज होगा इस तरह के क्वेश्चन का आंसर लेकिन दिया नहीं है तो ये मान के चलेंगे ये प्रिंटिंग मिस्टेक बोला जाए इसको जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री होना चाहिए ठीक है या नहीं तो ये ठीक है इसको याद रखिएगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए जल्दी से अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन और बोले कि बताएंगे उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे बोले है ना उसके बाद आपको छोड़ देंगे हम आज बहुत स्लो बता रहे हैं क्योंकि होली के बाद लंबा गैप हो गया था इसलिए आपको फिर से हम रनिंग में लाए होगा तो कल एक दिन और आकर के इसको कंप्लीट कर लेंगे और क्या ठीक है चलिए वेरी गुड वेरी गुड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें देखिए कितना हल्का क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट ऑस्मोटिक प्रेशर निम्नलिखित में से कौन समीकरण परासरण दाब को व्यक्त करता है निम्नलिखित में से कौन समीकरण परासरण दाब को व्यक्त करता है जल्दी से बताइए P इक्वल टू सी आर टी पी इक्वल टू सी आर बाई टी पी इक्वल टू आर टी बाई सी पी इक्वल टू आर सी बाई टी जल्दी से बताइए जल्दी से कौन सा समीकरण जो है ऑस्मोटिक प्रेशर को व्यक्त करता है बताइए तो बच्चों वाह वेरी गुड प्रिंस कुमार अंक क्या नाम है अनिकेत वेरी गुड वेरी गुड पिछले सेशन में भी अनिकेत मेरा एक फेवरेट स्टूडेंट था वो हमसे फिर बात ही नहीं कर रहा है चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा एकदम अरे यार पाई के जगह पर पाई इक्वल टू सीआरटी होता है तो पाई के जगह पी लिख दिया और क्या किया जान करके तो पी लिखो या पाई लिखो तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा ए पी इक्वल टू सी आर टी पी इक्वल टू सी आर टी होगा ना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा चलिए 20 पर लास्ट कर देंगे 18 हो गया ना 20 पर लास्ट कर देंगे नहीं जाएंगे आगे चिंता नहीं करिए हुई ऑफ द फॉलोइंग इज ए ए अलग है और ये अलग है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन हुई ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन निम्नलिखित में से कौन किसी बिलियन का अनुसंख गुणधर्म है निम्नलिखित में से कौन किसी बिलियन का अनुसंख गुणधर्म है बता सकते हैं कौन सा क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ़ सोल्यूशन है ऑस्मोटिक प्रेशर सरफेस टेंशन कंडक्टिविटी हाफ लाइफ पीरियड ये सब बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2021 में शायद पूछा था बताइए वाह वाह एकदम सही है ऑस्मोटिक प्रेशर इसमें तो कहीं गलत होने का सवाल ही नहीं आप लोगों का ठीक है बहुत अच्छा बहुत अच्छा ये क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज है एकदम क्लियर है ठीक लीजिए

एक तरफ लो कंसंट्रेशन था सॉल्यूशन का एक तरफ हाई कंसंट्रेशन था तो फ्लो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर होता है लेकिन क्या पास करता है उसके थ्रू वही बोला परासरण के द्वारा अर्धपार्गम झिल्ली निकलने देते हैं अर्धपारिगम झिल्ली से क्या निकलता है या तो बाहर से अंदर निकलेगा या अंदर से बाहर क्या निकलता है वही, वही क्वेश्चन का जवाब देना है बोलिए 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 अरे रे, रे। तगड़ा जवाब आ रहा है जल्दी से जल्दी से सेमी परमिबल मेम्ब्रेन है सेमी परमिबल में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वेरी गुड जानते हैं कि सोल्यूट पार्टिकल पार नहीं करेगा जब भी करेगा सॉल्वेंट पार्टिकल पार करेगा वेरी गुड आप यह बताइए ना चीनी पानी का गाढ़ा घोल था अंदर और बाहर जो था डायल्यूट सोल्यूशन था पतला घोल था तो पानी ना अंदर जाता था चीनी थोड़ा जाता था बाहर वाला चीनी अंदर चले जाता था क्या नहीं या अंदर वाला चीनी बाहर आ जाता था क्या नहीं पानी जाता था लो कंसंट्रेशन से किधर हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर जाता था तो पानी क्या है सॉल्वेंट है ना तो जब भी जब भी पास करेगा क्या पास करेगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या पास करेगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है ना तो वही लिखा हुआ है कि परासरण द्वारा अधम झिल्ली निकलने देते हैं क्या चीज को सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को विलायक विलायक के कणों को निकलने देता है है ना चलिए वेरी गुड बहुत अच्छा अब आज हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसके बाद यहीं पर स्टॉप कर देंगे ठीक और बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट दिन ले लेंगे क्योंकि आप लोगों का फिर खाना पीना बनाने का भी समय हो रहा है ठीक है या बहुत बच्चे बना चुके हैं खाना पीना खाएंगे या और भी स्टडी करना है तो लीजिए जरा सा इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एन एक्व सोल्यूशन विल काउज किसी एकव सोल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या कारण हो सकता है जलीय विलियन के ताप में वृद्धि करने पर किसमें परिवर्तन आती है जब हम लोग कोई एक सॉल्यूशन है उसके टेम्परेचर में वृद्धि कर देंगे तो क्या होगा अब देखो अगले दिन से हम हिंदी भी लिख देंगे भैया ऐसा कुछ नहीं इंक्रीज इन मोलैरिटी मोलैरिटी बढ़ेगा डिक्रीज इन मोलेलिटी मोलिटी घटेगा इंक्रीज इन मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा इंक्रीज मास परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू मास परसेंटेज तो क्या हो सकता है इसको बता इंक्रीज इन in मोलिटी मोललता मोलरता 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 बढ़ना मोललता घटना इंक्रीज इन मोल फ्रैक्शन मोलंस बढ़ना और ये द्रव्यमान प्रतिशत W बाई डब्ल्यू डब्ल्यू को क्या कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत मास परसेंटेज द्रव्यमान प्रतिशत बढ़ना क्या होगा जवाब दीजिए जवाब दीजिए ताप में वृद्धि करने से किसमें परिवर्तन आता है ताप बढ़ाएंगे तो किसमें परिवर्तन आएगा बताइए ताप बढ़ाएंगे तो किसमें परिवर्तन आएगा मोलरिटी बढ़ेगा बिलियन का ताप बढ़ाएंगे तो किसमें परिवर्तन आएगा मोलरिटी बढ़ेगा एक्व सोल्यूशन है ना एक्व सोल्यूशन है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कंसंट्रेशन जो होता है वो बढ़ेगा कि क्या मोलरिटी बढ़ेगा चलिए ठीक है क्योंकि जानते हैं कि मोलरिटी वॉल्यूम पर डिपेंड करता है और एक क्वेश्चन सोल्यूशन है तो टेम्परेचर वृद्धि करेंगे तो मोलरिटी क्या होगा बढ़ेगा क्योंकि सोल्यूबलिटी बढ़ेगा ना तो अधिक से अधिक उसमें सोल्यूट घुलेगा सोल्यूट घुलेगा तो क्या होगा कंसंट्रेशन बढ़ेगा जब हम लोग कोई, -कोई सोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोल्यूट घुलेगा अधिक से अधिक और जब सोल्यूट अधिक से तो अधिक घुलेगा तो सोल्यूट अधिक से अधिक घुलेगा तो उस स्थिति में क्या होगा कंसेंट्रेशन सांद्रता बढ़ेगा तो सांद्रता बढ़ेगा यानी मोलरिटी बढ़ेगा है ना चलिए क्लियर चलिए वेरी गुड वेरी गुड चलिए तो बच्चों और भी क्वेश्चन है लेकिन आज हम लोग इस क्वेश्चन को इस सेशन को यहीं पर रोकते हैं और होगा तो यदि हम लोग आपस में बात कर लेंगे क्लास में यदि आप लोग तैयार हो गए तो कल फिर आ जाएंगे नहीं तो परसों आकर के इसको कंप्लीट कर लेंगे ठीक है और फिर हम लोग नेक्स्ट डे के लिए तैयार रहिए लेकिन ये गलत तरीका है कि बाद में आप लोग वीडियो देखते हैं सामने में यदि लाइव करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा ठीक है तो वो ज़्यादा बेनिफिट देता है इससे क्या होता है कि आप क्या आंसर दिए और बाद में क्या आप आंसर मिला तो वो भूलता नहीं आदमी जब सही आंसर गलत होने के बाद जब सही मिलता है तो बच्चा भूलता नहीं तो खैर चलिए बच्चों आज का क्लास हम यहीं पर रोकेंगे आप अपना खाना पीना बनाइए और रेस्ट लीजिए फिर नेक्स्ट क्लास भी आपको करना है कल सुबह हर सब्जेक्ट का और थोड़ा सा पर डे जो क्लास में करते हैं आप हर सब्जेक्ट जहाँ जहाँ पढ़ते हैं उसको रिवाइज करिए ठीक है आज का क्लास इतना ही थैंक यू गुड नाइट